रामिंग दोस्तों, अपने YouTube चैनल अकील टेक्नो क्लिनिक में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका दोस्त नींद अकील और रहमान। दोस्तों, आज हम जिगजैग भट्ठे पर ब्लोअर मोटर के इंस्टॉलेशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह आप इसको वापडा पर, सोलर पर और जनरेटर के साथ मुंसलिक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ एक जिगजैग भट्ठे पर, जहाँ पर मैंने एक ब्लोअर मोटर इंस्टॉल की है। ये ब्लोअर मोटर 5 HP की ब्लोअर मोटर, 3 फेज मोटर है ये, जो कि सब ब्लोअर के साथ चल रही है। और ये जिगजैग भट्ठा काम कर रहा है। ये उस बटे का एरिया, यहाँ पर ब्लोट लगाया गया के साथ। ये बर्नी ब्रेक्स कंपनी, आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल अकील टेक्नो क्लिनिक को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हाथ में आने वाली वीडियो आप तक बाफनी हो सके। ये वो कमरा जहाँ पर इन्वर्टर लगाया गया है। फिलहाल जो है ये सिस्टम जनरेटर वापा के साथ काम कर रहा है। तीन किलो वाट का जनरेटर, 220 वोल्ट सॉलिड स्टार्ट जनरेटर है। साथ इसके चेंज ओवर स्विच वाप डाउन जनरेटर को लगाने के लिए। ये इन्वर्टर का बॉक्स स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ये इसका वाप डाउन वोल्टेज, और ये है इन्वर्टर। तो सब ये जो है वापडा पर चल रहे हैं, आप इसको जनरेटर पर भी चला सकते हैं, या फिर आप इसको सोलर पर चलाना चाहते हैं तब भी ये चल सकता है। आप हमारी शॉप मित्र तक सर्विस को नाम से रब्ता कर सकते हैं और अपनी मर्जी से जनरेटर, सोलर, वापडा पर इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। इन्वर्टर एम्पेयर वोल्टेज वगैरह, फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी हो तो उसको लाइक कर दें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई मसला हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं।